a very pleasant morning to all the dear students of class 6 i hope you all are doing good in your studies and are absolutely well and well at home so uh, we have discussed earlier we have discussed about the divisibility rules of the given numbers and we were checking that whether a given number is divisible by um, by 4 by 8 by 6 by 11 by 9 okay and we have the divisibility rules so these th that rules must be uh, understood carefully and also should be remembered because you will be using these divisibility criteria all over. Whenever you have to divide a number by another number, you will be looking for the divisibility rule which will be going to help you. Okay, so the notes that I have uh, give, uh, given you must be remembered and practiced carefully okay so after that we have discussed the common factors and multiples okay the first that you started with the factors okay you know that a number is divided by when another number then the another number means second number is called the factor of the previous one means if 6 is divided by because 6 is divisible by 2 and 3 and then uh, we call 2 as a factor of 6 3 as a factor of 6 then you have known about the multiples okay and we have discussed the uh, common factors and the common multiples okay so the common factors and common multiples and also the co prime numbers co prime numbers means jinke common factors other than 1 koi common factor nahi hai it means those two numbers which have only 1 as common factor only 1 that numbers are called as co prime number after that

The first divisibility rule that says if a number is divisible by another number, then it is divisible by each of the factors of that number. Okay, ye divisibility rule uh, divisibility rule मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। Like if you take the example, twelve. Uh, okay, twelve है हमारे पास कोई नंबर हमने कंसीडर किया। Twelve, then What this is saying if इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय number नंबर सो इफ take टेक दैट is इज by 6 ठीक है हमने ये इस कंडीशन कंसीडर कर ली कि 12 6 से डिविजिबल है ठीक है इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर तो हमारा ये 6 अनदर नंबर है 12 6 से डिविजिबल है देन इट इज़ डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर तो कहने का मतलब ये है ये ये कह रहे हैं कि अगर मैं इस नंबर के फैक्टर्स ले लूँ फैक्टर्स ले लूँ तो इन फैक्टर्स से भी ये ट्वेल्व जो है डिविजिबल होगा ठीक है फैक्टर्स क्या होंगे सिक्स के वन टू थ्री सिक्स तो वन और सिक्स को तो हम कंसिडर नहीं करेंगे वी विल कंसिडर द टू एंड थ्री ओके क्योंकि वन से तो मुझे पता है कि सिक्स से भी डिविजल है ट्वेल्व भी डिविजल है ऑफकोर्स एंड सिक्स इसलिए कंसिडर नहीं कर रही क्योंकि सिक्स मैंने यहाँ पर ले ही लिया है कि सिक्स से डिविजबल है तो देखो स्टेटमेंट क्या कह रही है इफ़ अ नंबर इज डिविबल बाय अनदर नंबर अगर एक नंबर ये वाला नंबर डिविजिबल है इस नंबर से देन इट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर तो ये नंबर इस नंबर के सभी फैक्टर्स से भी डिविजिबल हो जाएगा मीन्स टू और थ्री जो ये फैक्टर्स हैं ये भी ट्वेल्व को डिवाइड करेंगे और आप देख सकते हैं कि टू ट्वेल्व इज़ डिवाइडेड बाई टू यू गेट सिक्स ट्वेल्व इज़ डिवाइडेड बाई थ्री यू गेट फोर ओके सो दिस इज़ योर फर्स्ट डिविजिबिलिटी रूल और ये हर जगह एप्लीकेबल है लाइक like आप 25 देखिए 25, 5, फाइव uh, ट्वेंटी तो आपका सिर्फ 5 से और uh, सिर्फ 5 से ही होगा लाइक थर्टी टू ले लीजिए आप एक नंबर 32 आपने ले लिया एंड यू नो दैट 32 टू इज़ डिविजिबल बाई एट एट से एट फोर से थर्टी टू तो एट के फैक्टर्स अगर मैं करूँगी एट के फैक्टर्स लाइक टू एंड फोर तो थर्टी टू उससे भी डिविजिबल होगा ओके दिस इज़ योर फर्स्ट रूल नाउ द सेकेंड रूल से इज़ दैट इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू को प्राइम नंबर दैन इट इज़ डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो ठीक है तो ये मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल लिया था अगर आपके याद हो दैट आई हैव टेकन सिक्सटी मतलब सिक्सटी मैंने एग्ज़ाम्पल लिया था दैट इट इज़ डिविजिबल बाय ट्वेल्व एंड फाइव ओके okay, so सो ट्वेल्व एज सिक्सटी में मल्टीप्लाई करूँ तो उससे भी डिविजिबल होगा लाइक like, सिक्सटी लिया था यहाँ पर आप वन ट्वेंटी ले लीजिए चाहे ओके और आपको क्लियर हो जाएगा इफ आई टेक दिस वन ट्वेंटी ओके सो इफ आई टेक एग्जाम्पल मैंने वन हंड्रेड ट्वेंटी लिया ओके एंड दिस इज अ नंबर इफ अ नंबर है ना तो ये मेरा अ नंबर है दिस इज द नंबर इज डिविजिबल बाई टू को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर ले लिया मैंने इज डिविजिबल बाये आपका डिविजल है टू को प्राइम नंबर्स के लिए हम ये प्रूव कर रहे हैं तो ऑबियसली हम अपने एग्जाम्पल में दो को प्राइम नंबर ही कंसिडर करेंगे तो डिविजिबल बाय फाइव एंड ट्वेल्व ओके सो फाइव एंड ट्वेल्व आर को प्राइम नंबर बिकॉज दीज हैव ओनली वन एज कॉमन फैक्टर सो वी आर कंसिडरिंग दट वन हंड्रेड ट्वेंटी इज डिविजल बाय फाइव एंड ट्वेल्व yes it is true we know that 5 is divisible hai uh, 120 divided by 5 you will get 24 12 divided uh, 120 divided by 12 you will get 10 okay so this 120 is divisible by 12 and 5 they are saying then it is divisible by their product also it means they are saying that 120 is divisible by their product of their product also the product of these co prime number product of 5 and 12 is 5 मल्टीप्लाई बाई 12, दैट इज़ योर 60. ओके okay. सो so, इनकी प्रोडक्ट 60 है एंड यू कैन सी येस 120 इज डिविजिबल बाय 60. ठीक है तो कहने का मतलब ये कि अगर एक नंबर डिविजिबल है दो को प्राइम नंबर्स से तो ये नंबर इन दो को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से भी डिजिबल होगा ओके दिस इज द रूल नाउ द थर्ड रूल इफ टू गि नंबर टू गिवे आर डिविजिबल बाई नंबर डिफरेंस मतलब सम कर लो उनका या डिफरेंस कर लो इज ऑल्सो डिविजिबल बाय देट नंबर सम और डिफरेंस भी डिविजिबल हो जाएगा उस नंबर से टेकिंग एग्जाम्पल लाइक कंसिडर आपने कंसीडर किया सिक्स इज डिविजिबल बाय थ्री यू नो ओके टेल्व इज डिविजिबल बाय थ्री ओके दे आर सेइंग टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर एक नंबर से डिवाइड कर रहे हैं मतलब मेरा सिक्स नंबर सिक्स है फर्स्ट नंबर ट्वेल्व है सेकेंड नंबर डिविजिबल बाई थ्री सिक्स इज डिविजिबल बाई थ्री ट्वेल्व इज डिविजिबल बाई थ्री देन देयर सम एज वेल एज देयर डिफरेंस मतलब इन दोनों का सम इन दोनों का सम एज वेल एज इन दोनों का डिफरेंस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई थ्री एंड वी कैन वेरीफाई दैट सम ऑफ होगा सिक्स प्लस ट्वेल्व इजल्स टू एटीन और आप देख सकते हैं दैट डिवाइडेड मतलब इज डिजिबल बाय सिक्स ओके सम भी डिविजिबल सॉरी डिविजिबल बाय थ्री सम भी डिविजिबल हो गया नो डिफ्रेंस ले लीजिए डिफरेंस ऑफ सिक्स एंड ट्वेल्व सो ओबियसली आप बड़े में से छोटा नंबर माइनस करेंगे यू विल गेट सिक्स एंड इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय थ्री टू आएगा इट मीनस इट इज डिविजिबल बाय थ्री तो मेरे पास दो नंबर थे जो एक नंबर से डिवाइड हो सकते थे तो उन दोनों नंबर का सम भी उस एक नंबर से डिवाइड हुआ और उन दोनों नंबर का डिफरेंस भी एक उस एक नंबर से डिवाइड हुआ इफ टू नंबर आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर सम एज वेल एज देयर डिफरेंस इज डिविजिबल बाय दैट नंबर ओके सो दीज आर द एक्स्ट्रा डिविजिबिलिटी रूल इट मीनस दीज आर द बेसिकली कॉन्सेप्ट ओके दैट यू हैव टू अंडरस्टूड दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड नो मूविंग फर्दर वी हैव एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज योर प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड बिकॉज इट विल बी यूज इन योर हायर स्टैंडर्ड एंड एवरी टाइम वेन एवर यू टॉक अबाउट फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर्स सो इट इज़ बेसिकली यूज एवरीवेयर तो आपको प्राइम फैक्ट्राइजेशन फैक्टर ट्री आपको पता होना चाहिए कि कैसे होता है एंड प्राइम फैक्ट्राइजेशन कैसे निकालते हैं जो कि मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी सो so, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और उसको जैसे मैं सिखाऊंगी जैसे मैं कहूँगी आपको वैसे ही सीखिएगा ओके okay? so prime factorization as the word says itself means the factors in the form of prime numbers okay prime number you know very well what are prime number like 2 3 5 7 11 13 these are prime numbers these have only two fac two factors one and the number itself that is called as a prime number okay the prime factorization means when a number is expressed एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स जब मैं किसी गिवन नंबर को एक्सप्रेस कर दूँ एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स तो हम उसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे 16 16 एक नंबर है यू नो यूनोवेरेवल इट इज़ अ कंपोजिट नंबर सो 16 इज़ अ नंबर अगर मैं इसके फैक्टर्स की बात करूँ तो आप जानते हैं दैट सिक्सटीन इज़ इक्वल्स टू फोर मल्टीप्लाई बाई फोर फोर 16 एंड ऑल्सो सिक्सटीन इजिकल्स टू एट मल्टीप्लाई बाय टू ओके नाउ यू नो दैट यू नो दैट अभी मैंने सिक्सटीन को एक्सप्रेस किया टू नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल ओके यहाँ पर भी मैंने सिक्सटीन को एक्सप्रेस किया टू नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो मेरा प्राइम नंबर है ओके बट यू कैन सी दैट इट इज़ एट इट इज़ कंपोजिट नंबर ये अभी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुई है इसकी ये प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में अभी एक्सप्रेस नहीं हुआ है लाइक वाइज हेयर दीज फोर आर कंपोजिट नंबर्स ये प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट नहीं हुई है लेकिन मैं इस फोर को टू मल्टीप्लाई बाई टू लिख सकती हूँ और मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन ही रहेगा इसको भी मैं टू मल्टीप्लाई बाई टू लिख सकती हूँ और अब मैं देख रही हूँ कि सिक्सटीन इजिकल्स टू इसी फोर को मैंने ट्रांसफॉर्म करके लिखा इसी फोर को ट्रांसफॉर्म करके लिखा तो कोई चेंजेस तो हुए नहीं सो यू कैन सी सिक्सटीन टू टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू 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 ज फोर फोर टू जी एट एट टू जिक्सटीन और आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑल दीज आर योर प्राइम नंबर्स तो बेसिकली आपने सिक्सटीन को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर्स इसके कर दिए हैं सिक्सटीन के यहाँ पर भी आप देखिए जो सिक्सटीन को मैंने एट मल्टीप्लाई बाई टू लिखा है इस एट को मैं आ, प्राइम नंबर में एक्सप्रेस करूँ तो मैं 8 को क्या लिखूँगी टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू एट क्या होगा टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाई टूट दैट यू कैन सी ऑल्सो दैट टू टू ज फोर फोर टू ज एट है ना और एक ये टू हमारा यहाँ पर है अगेन यू आर दैट सिक्सटीन इज इक्वल्स टू टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू एंड ऑल दीज आर प्राइम फैक्टर्स और प्राइम नंबर सो हेयर ऑल्सो एंड हेयर ऑल्सो द सेम प्राइम फैक्टराइजेशन इज कमिंग सो एक नंबर को जब हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन सेम होती है क्योंकि हम नंबर को ब्रेक करके मैंने एट को ब्रेक कर दिया प्राइम नंबर्स में नंबर को ब्रेक करके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं प्राइम नंबर्स में जिनके कोई और ब्रेक जिनके कोई और फैक्टर्स नहीं हो सकते कोई और ब्रेक नहीं हो सकता मीन्स टू को मैं और कुछ तो नहीं लिख सकती ना वन मल्टीप्लाई बाई टू लिख सकती हूँ सिर्फ वन आपको पता ही है कि वन इज ऑलवेज प्रेजेंट हेयर उसका कोई बेनिफिट नहीं है सो दीज आर बेसिकली योर प्राइम फैक्टर्स वैन अ नंबर इज एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स और प्राइम नंबर दिस इज कॉल्ड एज प्राइम फैक्टराइजेशन हेयर आई हैव डन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ सिक्सटीन ओके सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ टॉकिंग अबाउट द फैक्टर ट्री फैक्टर ट्री ऑफ अ नंबर आई एम टेकिंग एग्जाम्पल

ओके सो द टू एरोज देट आई हैव ड्रॉन एंड आई एम राइटिंग टेन हेयर एंड एट हेयर इट मीन्स दैट दिस एटी इज प्रोडक्ट ऑफ दिस टेन एट मीन्स इनका यहाँ पर ना मल्टीप्लीकेशन है ठीक है यू नीड नाट टू पुट दिस सिम्बल बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस इज एट मल्टीप्लाई बाई टेन और टेन मल्टीप्लाई बाई ट एट्टी ठीक है नीचे वाले की मल्टीप्लीकेशन करके आपको ऊपर वाला मिल रहा है या आप ये कह सकते हैं कि 80 के प्रोडक्ट आपने सिंपल प्रोडक्ट जो आपके फर्स्ट माइंड में स्ट्राइक हो रहे हैं वो आपने लिखे ओके फैक्टर फैक्टर्स लिखे हैं मतलब 80 के टेन एट ज़ा एटी अब टू एरोस फिर से टू या थ्री जितने भी एरो की जरूरत पड़े आप टेन के फैक्टर्स देखिए टेन को आप कैसे लिख सकते हैं टू फाइव ज़ा टेन ओके okay, लिख दिया आपने देन एट को आपको पता है कि आप एट को प्राइम फैक्टर में कैसे लिख सकते हैं या तो आप अगर आपके माइंड में सिर्फ एट के लिए ये आ रहा है फोर टू जै एट तो आप इसको फोर कर लीजिए इसको टू लिख दीजिए ओके okay. और अगर आपके माइंड में डायरेक्टली आ रहा है कि एट मीन्स टू 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 मल्टीप्लाई बाई टू टू मल्टीप्लाई बाई टू अगर डायरेक्टली आ रहा है तो ये भी कर सकते हैं ओके okay. लेकिन अगर मेरे माइंड में आया कि एट फोर टू जी एट होता है तो मैंने फोर टू जी एट लिख दिया नो no प्रॉब्लम अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो आपको प्राइम नंबर आ गया टू डन फाइव भी आपका प्राइम नंबर है डन टू भी आपका इधर प्राइम नंबर है डन लेकिन हेर यू कैन सी दैट दिस इज़ कम्पोजिट नंबर दिस शुड बी ब्रॉक दिस शुड भी ब्रॉक वन टाइम मोर ओके सो यू विल हैव फोर को आपने कैसे लिखेंगे टू टू ज फोर ठीक तो सो जो आपके सबसे लोअर सबसे लोअर जो आपके फैक्टर्स आ रहे हैं दीज आर योर प्राइम फैक्टर्स मीन्स 80 के जब आपने प्राइम फैक्टर किए तो आप अगर इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो हेयर सबसे लास्ट में इस ब्रांच के सबसे लास्ट में क्या आया टू इस ब्रांच के सबसे लास्ट में टू इस ब्रांच के सबसे लास्ट में टू हेयर टू एंड फाइव सो दी देयर यू कैन सी दैट टू टू ज फोर फोर टू जर एट एट टू जिक्सटीन सिक्सटीन फाइव ज एटी सो यू कैन सी दैट एटी इज़ एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स विच आर प्राइम नंबर्स सो दिस इज यूर प्राइम फैक्ट्राइजेशन ऑफ एटी एंड दिस इज़ योर फैक्टर ट्री फॉर एटी ओके सो दिस इज़ फैक्टर ट्री नाउ राइटिंग द प्राइम फैक्टर्स अबाउ प्राइम फैक्टर्स या फैक्टराइजेशन करने के दो तरीके देख सकते हैं ठीक है फैक्टर ट्री आप यूजअली तभी फॉर्म करेंगे वेन यू आर आज टू ड्रॉ अ फैक्टर ट्री फॉर एनी फैक्टराइजेशन ओके अदरवाइज यू विल जस्ट सिंपली डू द प्राइम फैक्टराइजेशन इन दिस वे तो प्राइम फैक्टराइजेशन के आप टू वेज देख लीजिए कि आप कैसे कर सकते हैं बट यू विल बी फॉलोइंग द सेकेंड वन मैथड लाइक हेयर फर्स्ट लाइक आपको प्राइम फैक्टर्स ऑफ ट्वेंटी एट करने हैं ओके यू हैव बीन आज to write down the prime factors of 28. So 28 is equals to आपने 28 आपके माइंड में एकदम से आएगा दैट सेवन फोर इज द ट्वेंटी एट सेवन फोर ओके हेयर फोर इज कंपोजिट सो आपने इसको फोर को ब्रेक कर लिया सेवन मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू ओके एंड दिस इज़ डन दिज आर द प्राइम फैक्टर्स प्राइम नंबर हमें मिल गए नेक्स्ट थिंग इज बाय ड्रॉइंग ओके बाय ड्राइंग दिस डिवीजन बार मींस यहाँ पर हम डिवीजन करते हैं कैसे आपने 28 लिखा ये एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की ठीक अब यहाँ पर यहाँ पर आप क्या करेंगे ना आपको इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं तो आप इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देखिए जो अगर अगर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा तो उससे दूसरा प्राइम नंबर देखेंगे फिर उसके बाद वाला प्राइम नंबर देखेंगे ठीक है प्राइम नंबर ही चेक करना है क्योंकि मुझे प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं तो यहाँ पर मैं प्राइम नंबर से डिवाइड करूंगी इसको तो आई कैन सी द टू विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द इवन प्राइम नंबर बिकॉज दिस इज एट इवन नंबर यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये टू से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर मेरा प्राइम फैक्टर्स निकालने में क्या हुआ डिविजिबिलिटी रूल्स जो मैंने डिफरेंट नंबर्स के पढ़े थे उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है तो मैंने यहाँ पर टू से डिवाइड किया ध्यान देना है क्लास सिक्स दिस इज डिवाइजर टू से डिवाइड किया टू फोर्टीन ट्वेंटी ठीक है तो यहाँ पर आपके वो डिवाइजर आ रहे हैं जो आप प्राइम नंबर ले रहे हैं और यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि ये आपके एग्जैक्ट एग्जैक्ट डिवाइजर है एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रिमाइंडर इज जीरो रिमाइंडर का यहां वर्क भी नहीं है ओके सो हेयर यू कैन सी दैट दिस इज डिवाइजर दिस इज द क्वेश्चन मीन्स अगर मैं ट्वेंटी एट को डिवाइड करती हूँ टू से तो मैं टू वन जा टू नीचे आया एट ओके टू फोर जट एंड आई गेट जीरो हेयर डन सो दिस फोर्टीन इज वॉट क्वेश्चन न सो टू फोर्टीनजा ट्वेंटी एट आपको इस तरीके से आप डायरेक्ट ली देखें टू फोर्टीनजा ट्वेंटी एट नाओ फिर इसको देखेंगे 14 किस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा तो हेयर यू कैन सी अगेन टू से डिवाइड होगा टू सेवन ज ठीक है डिवाइजर आ गया क्वेश्चन आ गया किस जहाज नंबर जाएगा वो आपका यहाँ पर आएगा ठीक है सो टू सेवन ज फोटीन अब नाउ सेवन इज अ प्राइम नंबर सेवन से ही कैंसिल होगा सेवन वन जैन जब यहाँ पर वन आ जाए देन यू विल स्टॉप ठीक है क्योंकि इससे आगे हो ही नहीं सकता कुछ भी इससे आगे तो वन से ही होएगा ना बस ये डिड सो हेयर यू कैन सी और उसके बाद आप लिख देंगे कि प्राइम फैक्टर ऑफ ट्वेंटी एट इज टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाय सेवन तो यहाँ पर जितने भी डिवाइजर आपके आएंगे वो आपके प्राइम फैक्टर्स होंगे ट्वेंटी एट के ओके सो दिस इज योर फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर दिस इज द ऑल कॉन्सेप्ट आई हैव एक्सप्लेन इन द मच बेटर वे हेयर सो प्लीज़ वॉच द कम्प्लीट वीडियो डू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ओके देन द एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फाइव क्वेश्चन नंबर वन question number 1 is basically true and false but it is very much conceptual question it clears all your concepts so i am explaining each and every part of the question number 1 please pay attention okay and understand it carefully the other that you will do your as homework i will tell you so moving towards the question number 1 exercise 3.5 so here is your exercise 3.5 question number 1 which of the following statements are true okay इट मीन्स हमें ट्रू बतानी है वी विल टेल अबाउट द फॉल्स वन ऑल्सो एंड वी विल रीजन आउट दैट विद वाई अगेन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड वाई इट इज फॉल्स सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री इट मस्ट बी डिविजिबल बाय नाइन ठीक है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्यों देखिए फॉल्स अगर एक नंबर एग्जाम्पल लीजिए ले लीजिए आप सिक्स ठीक है सिक्स इज डिविजिबल बाय थ्री बट नॉट बाय नाइन और स्टेटमेंट क्या कह रही थी इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री इट मस्ट बी डिविजिबल बाय नाइन कि वो डिविजिबल होगा नाइन से नहीं अ नंबर डिविजिबल बाय सिक्स इज अ नंबर डिविजिबल बाय थ्री बट नॉट बाय नाइन ओके क्योंकि हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी है कि अगर एक नंबर अगर एक नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा ऐसी स्टेटमेंट पढ़ी है हमने ठीक है देखिए वो स्टेटमेंट आपकी सेकेंड जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट बताई वो आपकी बी पार्ट से वेरीफाई हो रही है इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय नाइन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय थ्री ट्रू ट्रू ओके सो बी के लिए आपका ट्रू होगा जो आपका ये कह रहा है जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 18 वो कह रहा है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय नाइन डिविजिबल बाय नाइन यस 18 इज डिविजिबल बाय नाइन एंड ऑल्सो तो वो थ्री से डिविजिबल होना चाहिए तो थ्री से भी डिविजिबल है क्योंकि क्लास सिक्स अगर मैं आपको थोड़ा सा रफली समझाऊं देखिए ध्यान से अगर 18 को ना मैं नाइन से डिवाइड करती हूँ ना तब ऐसे लिखती हूँ ठीक है एटीन को नाइन से डिवाइड कर रही हूँ तो इस तरीके से लिख रही हूँ इट मीन्स मैं एटीन को पता है किससे डिवाइड कर रही हूँ नाइन को आप थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री भी तो लिख सकते हैं लिख सकते हैं ना कर इन करेक्ट थोड़ी है ये एकदम करेक्ट है तो जब मैं एटीन को एटीन डिवाइड बाई नाइन कर रही हूँ इट मीनस मैं डिवाइड थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री कर रही हूँ इसलिए थ्री से भी एटीन डिवाइड हो रहा है क्योंकि मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी है कि अगर एक नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो इस नंबर के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा तो एटीन अगर नाइन से डिविजिबल है तो नाइन का फैक्टर थ्री है तो उससे भी डिविजिबल है इस वजह से डिविजिबल है क्योंकि मैं नाइन को थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री लिख सकती हूँ और थ्री से यहाँ एटीन को डिवाइड कर सकती हूँ ठीक है रीजन होता है नाउ सी पार्ट सो योर ए इज फॉल्स बी इज ट्रू सी इज अ नंबर इज डिविजिबल बाई एटीन इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ थ्री एंड सिक्स तो कह रहे हैं कि एक नंबर एटीन से डिविजिबल होगा अगर वो थ्री और सिक्स दोनों से डिविजिबल है तो इसमें ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है सो इन द सी पार्ट दे आर अ नंबर इज डिविजिबल बाई एटीन इफ इट इज डिविजिबल बाय बो थ्री एंड सिक्स तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई गिवन नंबर है और वो थ्री और सिक्स दोनों से डिविजिबल है तो वो एटीन से भी डिविजिबल होगा ठीक है स्टेटमेंट का मतलब ध्यान से सुनिए अ नंबर इज डिविजिबल बाई एटीन इफ अगर इट इज डिविजल बाय थ्री एंड सिक्स इट मीनस इफ अगर थ्री और सिक्स से कोई नंबर डिविजिबल है तो वो एटीन से डिविजिबल होगा तो हम एक ऐसे एग्जाम्पल रखेंगे यहाँ पर क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है हमें पता है ऐसा नहीं होता है हमेशा कुछ केसेस में होता है लेकिन हमेशा नहीं होता तो हम एक ऐसे ऐसा एग्जाम्पल रखेंगे जहाँ पर ये ट्रू नहीं है लाइक यू कैन सी एग्ज़ाम्पल ट्वेंटी फ़ोर ट्वेंटी फ़ोर इज़ डिविजिबल बाय थ्री वी नो है ना थ्री एट 24 ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फ़ोर इज़ डिविजिबल बाय सिक्स ऑल्सो सिक्स फोर ज़ोर ट्वेंटी फ़ोर ठीक है थ्री से डिवाइड है सिक्स से है लेकिन ट्वेंटी फ़ोर इज़ नॉट डिविजिबल बाई एटीन तो अगर थ्री और सिक्स से कोई नंबर डिवाइड हो जाएगा इट डज नॉट मीन दैट वो एटीन से भी डिविजिबल होगा ठीक है इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई एटीन ना डी स्टेटमेंट डी इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई नाइन एंड टेन बॉथ दैन इट मस्ट भी डिविजिबल बाय नाइन्टी सो इट इज़ वेरी ट्रू ओकेी इज़ ट्रू इसमें आपका रीज़न आपका डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा डी इज़ ट्रू ओके आपका क्या हो जाएगा अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ नाइन एंड टेन दोनों ही को प्राइम नंबर्स हैं नाइन एंड टेन आर को प्राइम नंबर और अभी आप मैंने आपको रूल बताया था कि अगर दो को प्राइम नंबर से कोई नंबर डिवाइड हो जाता है तो उसके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा इट मीन्स नाइन टेन जॉ नाइनटी से भी डिविजिबल होगा कोई भी नंबर अगर वो टू को प्राइम नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो ठीक है सो डी इज ट्रू ई इफ टू नंबर्स आर को प्राइम्स एट एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम ठीक है वो कह रहे हैं कि अगर दो नंबर्स को प्राइम है ना तो उनमें से एक नंबर प्राइम होना चाहिए तभी को प्राइम होंगे नो इट इज़ फॉल्स ई इज फॉल्स और हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं ई इज़ फॉल्स एग्जाम्पल एटीन एटीन एंड ट्वेंटी फाइव दीज आर को बट नन ऑफ देम इज प्राइम ओके मतलब एटीन भी कंपोजिट नंबर है ट्वेंटी फाइव भी कंपोजिट नंबर है तो कोई भी प्राइम नंबर नहीं है लेकिन ये आपस में को प्राइम है क्योंकि एटीन और ट्वेंटी फाइव का कॉमन फैक्टर सिर्फ वन है कोई और नंबर इनको कॉमनली डिवाइड नहीं कर सकता ठीक है तो ई स्टेटमेंट ने बोला था इफ टू नंबर आर को प्राइम एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट मतलब कम से कम वन ऑफ दैम मस्ट भी प्राइम सो इट इज फॉल्स ऐसा ट्रू नहीं होगा जरूरी नहीं है कि एक उनमें से प्राइम ही हो दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं देन ऑल्सो वी कैन हैव को प्राइम नंबर बिकॉज एटीन एंड ट्वेंटी फाइव आर को प्राइम नाउ टॉकिंग अबाउट द एफ स्टेटमेंट ऑल नंबर्स आर डिजिबल बाई विच आर डिजिबल बाई फोर मस्ट ऑल्सो भी डिविजिबल बाईट तो इट इज फॉल्स क्योंकि ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय फोर इट मस्ट ऑल्सो भी डिविजिबल बाई एट एफ इज फॉल्स एग्जाम्पल इज ट्वेल्व ट्वेल्व इज डिविजिबल बाय फोर बट नॉट बाय एट ठीक है ना ट्वेल्व डिविजिबल है फोर से लेकिन एट से नहीं है लेकिन हाँ अगर ये स्टेटमेंट ऐसे होती अ नंबर विच आर डिविजिबल बाय एट मस्ट भी डिविजिबल बाय फोर तो ये ट्रू हो जाती ठीक है लेकिन अभी के लिए ये फॉल्स है हाँ जो जी स्टेटमेंट है वो आपका इसी स्टेटमेंट का जो मैंने अभी आपको बताया ये ट्रू हो जाएगा ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय एट मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय फोर ये आपका ट्रू हो जाएगा और रीजनिंग वही रहेगी लाइक योर जी विल बी ट्रू और रीज़न आपका यही रहेगा अगर आप रफली देखें तो जैसे आपका ट आपके पास है सिक्सटीन सिक्सटीन ये डिविजिबल है एट से तो 16 इज डिविजिबल बाय 4 ऑल्सो ठीक है क्योंकि 16 डिवाइड बाय 8 का मतलब क्या है 16 को आप 4 8 को क्या लिख सकते हैं फोर टू भी लिख सकते हैं ना तो तब 4 से भी तो डिवाइड हो रहा है ये ठीक है दिस इज देन एच स्टेटमेंट इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट डिवाइड देयर सम ओके एच स्टेटमेंट इज ट्रू इफ अ नंबर इज़ एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली ये हमने अभी रूल में देखा कि अगर दो नंबर को एक नंबर टू नंबर्स को सेपरेटली डिवाइड कर रहा था तो उन दोनों के सम को भी डिवाइड कर रहा था मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था डिविजिबिलिटी रूल में ये ट्रू है एंड आई इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर इट मस्ट डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली ये आपका फॉल्स है ठीक है रीज़न देखिए सो आफ्टर जी योर एच इज़ ट्रू अकॉर्डिंग टू द डिविबिलिटी रूल एंड योर आई इज फॉल्स एग्जाम्पल फिफ्टीन विच इज इक्वल्स टू फाइव प्लस टेन ठीक है देखो क्या कह रही है स्टेटमेंट इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर सेपरेटली तो मैंने यहां पर एग्जाम्पल देखो क्या लिया है कि फिफ्टीन Is by से डिवाइड तो जिन नम्ब, जिन तो exactly करेगा स्टेटमेंट ये कह रही है लेकिन ये ऐसा ट्रू नहीं है ये फॉल्स है एग्जांपल मैंने यहां पर फिफ्टीन लिया फिफ्टीन फाइव और टेन का सम है फिफ्टीन इज डिविजिबल बाई थ्री लेकिन फिफ्टीन सॉरी uh, लेकिन थ्री फाइव को और टेन को डिवाइड नहीं कर रहा है टू नंबर्स सेपरेटली को डिवाइड नहीं कर रहा है थ्री लेकिन इनके सम को जो कि आपका फिफ्टीन है इसको एग्जैक्टली exactly डिवाइड कर रहा है ओके सो यू शुड रिवाइज एंड रिपीट द क्वेश्चन नंबर वन ऑल द पार्ट्स बायर सेल्फ एंड लिसन माई एक्सप्लेनेशन यू विल गेट द कॉन्सेप्ट क्लियर क्वेश्चन नंबर टू हेर आर टू डिफरेंट फैक्टर्स थ्री फॉर सिक्सटी राइट द मिसिंग नंबर्स यू विल राइट द मिसिंग नंबर्स ओके यू नो दैट सिक्सटी इज टेन सिक्सटी है ना इन दोनों नंबर का मल्टीपल आपका ऊपर है तो वैसे ही टू का किससे मल्टीप्लीकेशन होगा कि सिक्स आएगा ऑब्वियसली थ्री है ना या आप ऐसे देख लीजिए कि टू से सिक्स को डिवाइड करके देखिए यू विल गेट थ्री फाइव से टेन को डिवाइड करके देखिए यू विल गेट टू ठीक है इसी तरीके से आप बी पार्ट भी कम्प्लीट कर लेंगे एंड यू विल ट्राई सी क्वेश्चन नंबर नंबर इज फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट जब आपने कंपोजिट नंबर सिक्सटीन लिया था तो उसके प्राइम फैक्टर्स में क्या इंक्लूडेड नहीं था एक तो वन इंक्लूडेड नहीं था एंड नंबर इट्स यही इसका आंसर है एक तो वन इंक्लूडेड नहीं होगा और नंबर खुद इंक्लूडेड नहीं होगा किसी भी कंपोजिट नंबर uh, के प्राइम फैक्टर्स में क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए राइट द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स तो यू नो ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर इज योर नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइटी नाइन तो वो आप लिखेंगे और फिर उसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है प्राइम फैक्टर्स इस वाले तरीके से करेंगे आप ओके बाय दिस वे ये वाला बाय ड्राइंग दिस डिविजन ठीक है तो इससे आप करेंगे प्राइम फैक्टर्स एंड क्वेश्चन नंबर फाइव राइट द फाइव डिजिट स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स विच इज योर वन लैक And question number 5 is your write the smallest 5 digit number and express it in the form of prime factors and it is uh, your 10,000, okay, the smallest 5 digit number. So, you will be doing and question number 6 is find the factors of prime factors of 1729, you can try this also. So, you will be doing up to question number 6, okay, question number 1 I have done, question number 6 you will try karenge and uh, this is all for today's class 6. Watch the complete video carefully, understand the concept, and stay happy and stay safe at home.